गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे और काफ़ी एक्शन पैक रहने वाला ये आधा घंटा। मानस जयसवाल और राजेश सतपुते हमारे साथ बने हुए पिछले शो से, विकास सालुंके और सुदीप शाह भी जुड़ेंगे अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। Q3 नतीजे के बाद कमाई वाले सेक्टर्स और शेयर्स पर मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ से होगी खास चर्चा, और केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ेंगे अपनी बिग एंड बोल्ड कॉल्स के साथ। लेकिन पहले एक बार जरा नज़र डाल लेते हैं मार्केट पर, और निफ्टी करीब करीब डे लो पर, अब 50 पॉइंट नीचे 22,072 पर। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी डे लो पर नहीं है, 64 पॉइंट ऊपर है अभी भी बैंक निफ्टी, क्योंकि HDFC बैंक का आज यहाँ पर थोड़ा सहारा मिला है मार्केट को। आज मार्केट को डिक्लाइन में एक मेन रीज़न रहा है IT स्टॉक्स का और कुछ ऑटो स्टॉक्स का। IT और ऑटो, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसकी वजह से आज थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में वो लिस्टिंग भी होने वाली है, करीब करीब 24 सेकंड में वो लिस्टिंग होगी। F&O की जहाँ तक बात है, उसमें जी एंटरटेनमेंट टॉप गेन है, फिर पावर ग्रिड पर शानदार मोमेंटम है, पावर ग्रिड पर कॉल्स भी ली गई हैं चैनल में। जुबिलेंट फूडवर्क, ग्लेनमार्क फार्मा, डिक्सन टेक, ये कुछ स्टॉक्स अपसाइड पर, DLF। और डाउन साइड की जहाँ तक बात है, फेडरल बैंक करीब करीब 6% नीचे, चोलामंडलम, बायोकॉन, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको नेगेटिव मूव दिखा रहे हैं। चलिए लिस्टिंग हो गई है तो लिस्टिंग देख लेते हैं। यहाँ पर 425 रुपये पर शानदार लिस्टिंग, जैसा वीरू कह रहे थे विभोर करने वाली लिस्टिंग, 182% के प्रीमियम पर जाकर ये स्टॉक लिस्ट होता हुआ, बहुत ही शानदार लिस्टिंग वीरू। बिल्कुल शानदार लिस्टिंग, और आज का सबसे बड़ी उपलब्धि बाजार की अगर कुछ है तो वो यही है, विभोर। अब आपके स्क्रीन पे पूरा का पूरा पैनल है और उनसे करते हैं बातचीत, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके भी जुड़े हैं हमारे साथ इस पर कार्यक्रम में लोग। पहले लेकिन एक काम करते हैं, ये कॉल्स पूरी की पूरी जो है ना इस क्रम में निपटा लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त विकास सालुके, सुदीप शाह मौजूद हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। देखो ओवरऑल मार्केट में आज थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने मिल सकता है, थोड़ा प्रेशर अगर यहाँ पे निफ्टी ब्रेक करता है 22,040 की लेवल तो उसके बाद देखने मिलेगा। बट इसका तो मुझे लगता है कि दोनों साइड के ट्रेड यहाँ पे देखने मिलेंगे। पहले तो बालकृष्ण इंडस्ट्री मुझे यहाँ पे वीक लग रहा है, जिस हिसाब से आज के पूरे दिन में अगर फर्स्ट हाफ एन आवर में हम लोग नोटिस किया कि यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है। नीचे में जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 2200 के आसपास का टारगेट बालकृष्ण इंडस्ट्री में यहाँ पे नीचे की तरफ आते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में 2340 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करके जाना है। दूसरा मेरा रहेगा बाय साइड में, बाय साइड में मुझे पावर ग्रिड बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर 60 मिनट चार्ट पे देखोगे तो कपन हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पे 283 का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है, तो यहाँ से अपसाइड में 298 और 300 के टारगेट के लिए यहाँ पे पावर ग्रिड को बाय कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 278 के स्टॉप लॉस में इसमें भी बाय करके जाना चाहिए। ऊपर में 298-300 के आसपास के टारगेट पावर ग्रिड में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर पावर ग्रिड, सुबह से इस पर कॉल्स की हैं, अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये। सुदीप भी जुड़े हैं हमारे साथ। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज, मेरा पहला ट्रेड है लेमन ट्री। लेमन ट्री में हमने देखा है कि जो हिसाब से एक बड़े अपमूव के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था 50 DMA के आसपास सपोर्ट लेके, फिर से पिछले 2-3 दिन से जो कंसोलिडेशन हम देख रहे थे वहां से एक ब्रेकआउट आ रहा है। आज होटल स्टॉक्स में वैसे भी अच्छा मोमेंटम बना है, तो मुझे लग रहा है कि 139 के स्टॉप लॉस से 146 के टारगेट्स लेमन ट्री में आ सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रक्चरल अपमूव भी बन सकती है। तो मुझे लग रहा है लेमन ट्री अगले कुछ दिनों के लिए टॉप पिक में रहना चाहिए। सेकंड स्टॉक है DLF। रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं, रियल एस्टेट इंडेक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, और DLF में एक डेली वीकली मंथली सभी स्ट्रक्चर्स पे एक तेजी का व्यू लग रहा है मुझे। तो मुझे लग रहा है कि DLF में 850 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 888-895 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ट्रेड्स आपके हो गए। मानस, आपके दो ट्रेड्स? देखिए दो ट्रेड है, पहला तो वीरेन जी NTPC पे ध्यान देना चाहिए। NTPC तैयार एक ब्लैक पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए, करंट लेवल्स पे NTPC में खरीदारी करने की राय रहेगी। 338 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 350 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है NTPC में। दूसरा स्टॉक इंडिगो है, जहां पर स्टॉक लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, आज स्टॉक ने प्राइस ब्रेकआउट दिया है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय है इंडिगो में। स्टॉप लॉसेस 3070 के नीचे लगा के रखिए और 3150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब फ्रेश कॉल्स के लिए।
अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के रिसर्च हेड गौतम दुगड़ जुड़ गए हैं। रिसर्च में करीब 15 सालों का अनुभव रखने वाले गौतम अलग अलग सेक्टर के 200 से ज़्यादा शेयरों पर पैनी नज़र रखते हैं। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे जब भी ज़रूरत होती है कि निफ्टी का ईपीएस कितना है या किसी इंडिविजुअल लार्ज कैप का स्मॉल कैप का ईपीएस कितना है, मैं सिर्फ एक मैसेज डालता हूँ गौतम जी को और गौतम जी तुरंत मुझे रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में शायद नंबर बसे हुए हैं, तो उनसे समझते हैं कि इस समय वो किस तरीके से रीड करें। गौतम जी गुड मॉर्निंग, वो आपकी रिपोर्ट आई मैंने पढ़ी, बहुत शानदार रिपोर्ट लगी मुझे, जिसमें उन्होंने आपने वापस एक क्लियर जी एक चीज़ उसमें लिखी है कि अर्निंग्स बीट एक्सपेक्टेशन लेकिन अर्निंग्स रिविजन ब्रेथ वर्सन। तो पहले तो संक्षेप में समझाइए कि इसका मतलब क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, कैसा रहा ओवरऑल अर्निंग सीजन? गुड मॉर्निंग अनुज। सो अर्निंग सीजन काफी अच्छा था। अगर आप एग्रीगेट अर्निंग्स देखते हैं तो हमारा जो कवरेज यूनिवर्स है जिसके लिए हमने एस्टिमेट्स बनाए थे, हमारा एक सेकेंड मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यहाँ पर। जो रिपोर्ट थी गौतम जी की वो एक बार आपके स्क्रीन पर आ रही है कि डोमेस्टिक साइक्लिकल्स और ग्लोबल साइक्लिकल्स दोनों की वजह से ये ग्रोथ आई थी। जुड़े क्या गौतम जी वापस हमारे साथ? ओके, कुछ दिक्कत आ रही है। तो और उसमें जो जैसे हम कह रहे थे कि निफ्टी की अर्निंग्स में करीब करीब 17% की ग्रोथ आई थी YoY, 17%, जबकि उनका एस्टिमेट था करीब करीब 10%। तो उस हिसाब से वो जो अर्निंग्स काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, उसमें बहुत लोग कहेंगे कि उसमें से काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन तो शायद मेटल्स का और ऑयल एंड गैस का भी रहा होगा जो साइक्लिकल्स हैं, अगर उनको आप हटा भी दें तो भी करीब करीब 15% की अर्निंग्स ग्रोथ थी वर्सेज एस्टिमेट ऑफ करीब करीब 10%। तो ये एक तरीके से एक अच्छी रिपोर्ट थी यहाँ पर। वीरू, कुछ और स्पॉट किया आपने? बिल्कुल अनुज, मैं देखा था कि बैंक निफ्टी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक को रखते हैं स्क्रीन पे, थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक 1042 के स्तर पे आके ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी। विकास कल के हाईएस्ट क्लस्टर पे आईसीआईसीआई बैंक आके फिर ट्रेड करता हुआ और एक गैप डाउन के बाद क्या स्ट्रॉन्ग रिकवरी है इसमें। विकास, आपका टेक है इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक पर? जी, कल हमने देखा कि एक अच्छा मूव यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में देखने मिला, बट हालांकि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा है 1050-1060 के आसपास का। ये 10 पॉइंट का जो अपसाइड में एक रेजिस्टेंस जोन है, ये जब तक क्लियर नहीं करता वहां तक ये स्टॉक जाके रुक सकते हैं। ऊपर में 1060 हायर साइड में आज के लिए देखना बहुत जरूरी है। ऑल राइट विकास, बिल्कुल। चलिए अब गौतम जी के पास वापस चलते हैं। गौतम जी सॉरी, थोड़ा सा एक कुछ इशू हुआ था टेक्निकल, बताइए अर्निंग सीजन पर आप अपना व्यू दीजिए। सो जो आगे का एस्टिमेट रिवीजन है जिस पर बात कर रहे थे, निफ्टी का हमारा ईपीएस अभी भी स्टेबल है ₹975 पे। अगर ये डिलीवर होता है तो करीबन 20% का अर्निंग ग्रोथ FY24 में आपको देखने मिलेगा निफ्टी में, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छा नंबर है। बिकॉज आप देखते हैं 2020 से 2024 तक निफ्टी के अर्निंग्स ने 22% का कंपाउंडिंग दे दिया है। जो प्रॉफिट FY20 में निफ्टी का 3,50,000 करोड़ था, वो इस साल 6,65,000 करोड़ हो जाएगा। सो दैट्स ऑलमोस्ट 22% फोर ईयर कंपाउंडिंग। जो ब्रॉडर मार्केट्स है, जैसे अगर आप हमारा कवरेज देखते हैं उसमें से निफ्टी हटा देते हैं तो थोड़ा सा अर्निंग्स रिवीजन है जो वीक हुआ है। सो आउट ऑफ टोटल स्टॉक्स दैट वी कवर, 58 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे हमारा अर्निंग्स अपग्रेड हुआ है मोर देन 3% से फॉर FY25, एंड देर आर 84 स्टॉक्स जहां पे अर्निंग्स हमने डाउनग्रेड किया है मोर देन 3%। सो डाउनग्रेड ज्यादा हुए हैं कंपेयर टू अपग्रेड, बट बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग्स कम फ्रॉम निफ्टी, वहां पे हमें डाउनग्रेड नहीं दिखे, इसलिए ओवरऑल अर्निंग्स फिर भी स्टेबल है। मैंने निफ्टी का नंबर आपको बताया, अगर आप मेरा कवरेज यूनिवर्स देखते हैं तो ये पहला साल होगा जहां पे मोतीलाल ओसवाल कवरेज यूनिवर्स का टोटल प्रॉफिट पूल 1,00,000 करोड़ से ज्यादा होगा। हमने लास्ट ईयर 8.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया था, हमारे जो टोटल कंपनीज हम कवर करते हैं। इस साल वो 11,00,000 करोड़ प्रॉफिट करेंगे, 10.96 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज। यहाँ पे जो कंपाउंडिंग आपने देखी है, मैंने निफ्टी की आपको बताइए 22% हुई है 4 साल में, हमारे कवरेज यूनिवर्स की जो कंपाउंडिंग है प्रॉफिट की वो 27% है। जो 4,28,000 करोड़ था प्रॉफिट FY20 में, वो इस साल 10,96,000, तो लगभग 11,00,000 करोड़ का प्रॉफिट हम कर लेंगे। और अगले 2 साल का भी जो हमारा अनुमान है, करीबन 15-16% का अर्निंग्स ग्रोथ का एस्टिमेट है।
तो हम 11 लाख से 15 लाख करोड़ के प्रॉफिट पूल की तरफ बढ़ रहे हैं और निफ्टी में ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ तक का प्रॉफिट पूल होने की आशंका है FY26 में। ओके, नहीं मैं उस, बिल्कुल उस पे मैं आ रहा था। आपका इस साल का आपने बोला 975 का एस्टिमेट है और 22% की कंपाउंडिंग रही है निफ्टी में, ठीक है ना, निफ्टी की अर्निंग्स में। तो अगले साल आप 17% क्यों लेके चल रहे हैं? 1142 है आपका, मैं सोच रहा था कि अगले साल भी 22% हो जाएगा तो हम करीब करीब 1200 पे पहुंच जाएंगे। नहीं, सो अनुज, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका बेस काफी बढ़ गया है, दूसरा अगर आप थोड़ा सा नंबर्स की अंदरूनी जानकारी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि FY23 में थोड़ा मार्जिन हिट हुआ था सारे कंपनीज का, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद। तो उस वजह से FY23 में निफ्टी के अर्निंग्स केवल 10% ग्रो हुए थे, और FY24 जो है वो एक ईयर ऑफ मार्जिन रिकवरी है, जो 23 में ग्रॉस और एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट डिकेडल लो पे पहुंच गए थे। वहां से हमने FY24 में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी मार्जिन की। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं FY24 में, जो ये करंट ईयर है, टॉप लाइन ग्रोथ हार्डली मिड सिंगल डिजिट रही है, बट अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है, 20% निफ्टी की, 30% हमारे कवरेज रिव्यूअर्स की। अब आगे जाके क्या होगा, FY25 में ये जो मार्जिन है ये बेस में आ जाएंगे आपके, राइट? तो अब जो परसेंटेज ग्रोथ है थोड़ा सा कम दिखेगा आपको बॉटम लाइन में, और टॉप लाइन में थोड़ा सा रिकवरी दिखेगा। सो जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हो सकता है 10-11% हो जाए, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीबन 15-16% उनको दिख रहा है। तो मुझे 15-16% भी काफी हेल्दी लगता है, बिकॉज ये काफी बढ़े हुए बेस पे आ रही है, और जो निफ्टी का वैल्यूएशन है वो काफी स्टेडी है, अभी भी 20 टाइम ही हम ट्रेड कर रहे हैं 22,000 पे भी। हालांकि जो हमेशा एक चैटर होता है, डिस्कशन होता है, वो ये होता है कि मार्केट नए हाई पे है, बहुत चल गया है, जब आप इसको नंबर्स के सामने देखते हैं तो ग्रोथ भी उतनी आई है, इसलिए चलने के बावजूद जो मार्केट का पी है काफी स्टेडी है, एटलीस्ट निफ्टी में। ओके, बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रहा था कि कौन कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स ने बीट किया, मिस किया। आपके 23 सेक्टर हैं कवरेज में, उसमें आप बोल रहे हैं 6 के नंबर्स अबव एस्टिमेट थे, 10 के नंबर्स इनलाइन थे और 7 के नंबर्स खराब थे। तो इनलाइन वालों को छोड़ देते हैं, जो अच्छे थे और खराब थे उनमें क्या क्या स्टैंड आउट थे? सो सबसे बड़ा स्टैंड आउट मुझे दो सेक्टर्स लगते हैं। एक है PSU बैंक्स, जिनके नतीजे हमारे उम्मीद से बेहतर थे, और ये पहला ऐसा क्वार्टर है जहां पे PSU बैंक्स का अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से बेटर आए, जबकि प्राइवेट के थोड़े से क्वालिटेटिवली वीक थे। और ये ऐसा पहला क्वार्टर है जहां पे हमने PSU बैंक्स के नंबर अपग्रेड किए और प्राइवेट बैंक्स के मार्जिनली डाउनग्रेड किए। तो हमारा एस्टिमेट लगभग 4% ग्रोथ का था PSU बैंक्स के अर्निंग्स, 20% ग्रोथ एक्चुअल नंबर आया है। और अक्रॉस द बोर्ड जो 6 PSU बैंक्स हम कवर करते हैं, सबके नतीजे अच्छे थे। दूसरा सेक्टर जो स्टैंड आउट कर रहा है पिछले 4-5 क्वार्टर से, और इस क्वार्टर भी बहुत अच्छे नतीजे थे, वो था ऑटो। सो ऑटो में हमारा एक्सपेक्टेशन 35% प्रॉफिट ग्रोथ का था, एक्चुअल नंबर आया है 60%। और मोर इम्पॉर्टेंटली ऑटो में ऐसा है अनुज की ब्रेड तो अर्निंग्स बहुत अच्छा था, जो निफ्टी में जैसे 6 ऑटो कंपनीज है, 6 के 6 नतीजे उम्मीद से बेहतर थे, या एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन मीट किए, कोई भी एस्टिमेट भी मिस नहीं हुआ। और विद इन निफ्टी, जबकि हमारा ओवरऑल अर्निंग स्टेबल है, बट ऑटो में हमारा अर्निंग 7% से अपग्रेड हुआ है, राइट? तो हम जो कह रहे थे कि FY24 में ऑटो के अर्निंग्स डबल हो गए, अब इस पे हो सकता है FY25 में ग्रोथ 5-6% ही रहेगा, ये हमारा प्रीव्यू के टाइम पे एनालिसिस था। अभी आफ्टर द अर्निंग्स अपग्रेड, वो जो 5-6% का ग्रोथ ऑटो प्रॉफिट में हम FY25 के लेके चल रहे थे, वो अब 11% हो गया है। तो वो एक है। और तीसरा जो सेक्टर जिसके बहुत अच्छे नतीजे थे, वो मेटल्स और ऑयल एंड गैस थे। अभी मेटल्स और ऑयल एंड गैस के नतीजे यूजुअली हमेशा वोलेटाइल होते हैं, बिकॉज ये ग्लोबल साइक्लिकल सेक्टर्स और कमोडिटी है, तो कमोडिटी के प्राइसेस पे इनका जनरली अर्निंग्स परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। बट फॉर द क्वार्टर मेटल्स का प्रॉफिट 75% बढ़ा है, हमारा एक्सपेक्टेशन 25% था। और मेटल्स में भी हमने देखा है, चाहे टाटा स्टील हो, NMDC हो, या कोल इंडिया हो, इनके सब के नतीजे उम्मीद से बेहतर थे। एंड ऑयल एंड गैस के एक्सपेक्टेशन से बेटर होने का रीजन एक था OMC, जहां पे परफॉर्मेंस फॉर कंपनीज लाइक IOCL वाज फार अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो उसके वजह से थोड़ा सा वोलेटिलिटी हमेशा दोनों साइड, ऊपर में भी और नीचे में भी ज्यादा होता है। और जो खराब आए, उसमें मैं जो पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो एक है IT के। हालांकि IT ऑल्सो म्यूटेड एक्सपेक्टेशन थे हमारे, वो उन्होंने मीट किए फ्लैट अर्निंग्स का,
बट हाँ, जब आप पूरा स्पेक्ट्रम देखते हैं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस का, अर्निंग्स का, तो उसमें आईटी थोड़ा सा वीक दिखता है। और दूसरा कंजम्पशन, कंजम्पशन में आप स्टैटिस्टिकली मत देखिए, क्योंकि स्टैटिस्टिकली अगर आप देखने जाओगे तो आपको लगेगा नंबर तो उम्मीद से बेहतर है, क्योंकि 10% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था, 14 आया है। बट प्रॉब्लम वहां पे है डिमांड का राइट नाउ, स्पेशली इन लो टिकट मास कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज, तो वो एक मैं मानूंगा कि एक वीक नतीजे थे। ओके, मीन वाइल एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए। अब हम 46,800 क्रॉस कर रहे हैं और अब मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से HDFC बैंक अब मूव कर रहा है और उसको सपोर्ट मिल रहा है ICICI बैंक से, उसको सपोर्ट मिल रहा है अब एक्सिस बैंक से, और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, कुछ लग रहा है कि आज वो तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग के मूड में है बैंक निफ्टी। बस अभी टिक जाए 46,800 के ऊपर थोड़ी देर और टिक जाए 46,800 के ऊपर, तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग शायद पॉसिबल होगी। गौतम जी, एक थोड़ा सा डिटूर ले रहा हूँ, आपने अटेंड की क्या, आपकी टीम ने अटेंड की क्या HDFC बैंक की वो कॉन कॉल और एनालिस्ट कॉल, और आपका क्या व्यू बन रहा है HDFC बैंक पर? सो अनुज, HDFC बैंक पे हमारा व्यू पॉजिटिव ही है, वी हैव अ बाय रेटिंग देयर, बट मॉडल पोर्टफोलियो में हम अभी भी वहां पे अंडरवेट है। हमारा कॉल रिलेटिव है, पिछले 2 साल से हमने PSU बैंक्स काफी बड़ा ओवरवेट रखा है और वो पोजीशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि स्पेसिफिक टू HDFC बैंक एक बात जरूर बता दूं कि इनके वैल्यूएशन अभी बिलो 2 टाइम हो गया प्राइस टू, आई थिंक 1.8 टाइम्स कुछ चल रहा है अभी है, जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वैल्यूएशन कभी नहीं रहे हैं। सो स्टॉक में काफी वैल्यू है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, बट टैक्टिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी भी हम PSU बैंक्स पे बड़ा ओवरवेट बना के रखे हैं, साथ में NBFC पे, प्राइवेट बैंक्स अभी भी हमारा अंडरवेट है। ओके, वाकई गौतम जी एक बात है, मतलब लास्ट 6 महीने से तो आप बार बार PSU बैंक्स पे अपनी वकालत करते रहे हैं और सबसे बेस्ट प्राइस परफॉर्मर रहा है ये। अच्छा, एक और चीज़ सर, मतलब अगर आप देखें तो इस दौर में एक स्पेस और जिसने अपना ऑल टाइम हाई क्लस्टर देखा और ज़्यादातर स्टॉक फ्यूचर्स ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, दैट सीमेंट। सीमेंट में आपको अर्निंग्स कैसी लगी और क्या इस स्पेस को अभी चेस करने का और मतलब प्राइस वाइज अभी मौका है सीमेंट पर आपका व्यू? बिल्कुल वीरेन जी, अगर आप देखते हैं सीमेंट का, तो ये क्वार्टर नतीजे से पहले आप पिछले 5-6 क्वार्टर के नतीजे देखिए। सेप्टेम्बर क्वार्टर में पहली बार अर्निंग्स ग्रोथ आया आफ्टर 5 क्वार्टर्स ऑफ अर्निंग्स डिक्लाइन, राइट? और फिर ये क्वार्टर में फिर से अर्निंग्स डबल हुई है सीमेंट की, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थी, बट ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स हैव डबल्ड फॉर सीमेंट, और अगले 3 क्वार्टर भी सीमेंट के लिए बेस बहुत अच्छा है। दूसरा बात, जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है कैपेक्स पे, आपने ये बजट में भी देखा, एक ही शब्द आपको सुनने मिला होगा थ्रू आउट द बजट, कैपेक्स कैपेक्स एंड कैपेक्स, क्योंकि कंजम्पशन पे कहीं बात नहीं हुई है। तो कैपेक्स खेलने के बहुत तरीके होते हैं, इंडस्ट्रियल्स है, सीमेंट है, रियल एस्टेट है, इन तीनों सेगमेंट्स पे हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है और तीनों पे हमारा ओवरवेट है। रियल एस्टेट पे बहुत बड़ा ओवरवेट है, कैपिटल गुड्स पे भी ओवरवेट है, और सीमेंट भी हमको अच्छा लगता है। विद इन सीमेंट हमारे चॉइसेस अल्ट्राटेक और दालमिया, ये 2 है। ओके, तो आपको सीमेंट पे भी एग्जैक्टली गौतम जी की जो टॉप पिक्स हैं वो मालूम चल गई। गौतम जी, एक स्पेस और जिस पर आपका काफी पॉजिटिव कमेंट्री रही भी है, रियल एस्टेट स्पेस। DLF आज अपने 52-week हाई पे खड़ा है और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 दशक के हाई पे खड़ा है, 1.5 दशक के हाई पे खड़ा है। ये बिलीफ बाजार का है कि शायद CY24 के 3rd quarter में एक रेट कट्स मिले, आई थिंक हमारे पास इस साल के 3rd quarter में एक एडवांटेज भी होगा रेट कट्स की पॉसिबिलिटीज। अभी इस बार के नंबर्स आपको रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ इंप्रेस करके गए, और 1-2 स्टॉक फ्यूचर्स जो आपकी प्रिफर लिस्ट में है इस वक्त रियल स्टेट में? सो वीरेन, अगर आप देखते हैं रियल एस्टेट एक टॉप डाउन सेक्टर है, मैक्रो सेक्टर है। ये जब सेक्टर अच्छा होता है तो सारे ही स्टॉक अच्छा करते हैं, और जब सेक्टर में मंदी आती है तो सारे ही स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हैं। सो हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हमें लगता है ये साइकिल जो 10-11 साल डाउन साइकिल में था ये सेक्टर, उसका अप साइकिल अभी केवल 2 ही साल हुआ है। साथ में जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है, चाहे कस्टमर का अफोर्डेबिलिटी हो या बैलेंस शीट, सो एग्जीक्यूशन है, प्री सेल्स है, सारे जो ऑपरेटिंग फंडामेंटल्स है काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने रियल एस्टेट सेक्टर को हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 4% का वेट एलोकेट किया हुआ है। ये वो सेक्टर है जिसका निफ्टी में आज भी इतना चलने के बावजूद 0% वेट है।
हमारा जो व्यू है वो गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा ये हमारे और प्रेस्टीज, ये तीन हमारे टॉप आइडियाज हैं। और हमें लगता है जैसे होटल्स में हो रहा है, रियल एस्टेट में भी काफी लंबा साइकिल थोड़ा चल सकता है, क्योंकि दोनों सेक्टर में आप देख रहे हैं 10-10, 11-11 साल के बाद आपका डाउन साइकिल खत्म हुआ है। और रही बात ये क्वार्टर की, तो ये क्वार्टर में भी हमने देखे कि प्री सेल्स के नंबर हमें अपग्रेड करने पड़े, क्योंकि रियल एस्टेट में आप क्वार्टरली प्रॉफिट्स नहीं देखते बिकॉज वो काफी लंपी होता है और उस पर एग्जीक्यूशन के हिसाब से क्या आपने लॉन्च किया, कितना डिलीवरी किया, उस हिसाब से पीएनएल नंबर चेंज होते हैं क्वार्टरली। सो रियल एस्टेट में मैं हमेशा एक प्री सेल्स के नंबर से ज्यादा फोकस करता हूँ, और वहां पे हमने काफी अपग्रेड्स देखे हैं। सो सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, और प्री सेल्स देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट अनाउंसमेंट देखिए, कई सारे कंपनीज ने अपने गाइडेंसेस अपवर्ड रिवाइज किए हैं। अच्छा बिल्कुल, और मैं देख रहा था आपके तो आपने तो होटल्स काफी रखे हुए, इंडियन होटल्स भी है, लेमन ट्री भी है, केमिकल्स नहीं है आपके मॉडल पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर अर्निंग्स कैसी रही? सो केमिकल्स अनुज 2 साल से हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं है। रीजन बड़ा सिंपल था, जब ये कोविड का एक स्पाइक आया था इसमें मार्जिन्स का, अगर आप पिछले 20 क्वार्टर्स के मार्जिन देखेंगे, चाहे ग्रॉस या एबिटा मार्जिन, तो आपको दिखेगा कि कोविड के जो 5 क्वार्टर्स थे उसमें ग्रॉस मार्जिन 40-50 हो गया था, राइट? और सिमिलर 1000 basis point स्पाइक आपको एबिटा मार्जिन में भी दिखा था एग्रीगेट स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में। पिछले 2 साल से वो मार्जिन वापिस से 50-40 पे आ गए हैं। अर्निंग्स अभी भी घट रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में, राइट? दिस विल बी लाइक आई थिंक 6th or 7th quarter जहां पे हमें अर्निंग्स काटना पड़ा है, और कई कई प्रॉब्लम से सेक्टर जूझ रहा है, इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग, चाइना रिलेटेड इश्यूज, रियलाइजेशन, कहीं पे मार्जिन का इश्यू है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये सेक्टर को अभी और कंसोलिडेट करना होगा, नंबर्स ठीक होने होंगे, बिकॉज नंबर्स नहीं परफॉर्म करने के बावजूद अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा आपको वैल्यूएशन में कंफर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप वैल्यूएशन में थोड़ा लिबरल तब होते हैं जब आपको ग्रोथ में विजिबिलिटी अच्छा दिखता है, वो थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ है। मुझे लगता है थोड़ा टाइम ये सेक्टर को लगेगा अपना मार्जिन से रिकूप करने के लिए, या अपना परफॉर्मेंस टॉप लाइन पे और रियलाइजेशन पे रिकूप करने के लिए। गौतम जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए ये बात हुई गौतम दुगर से, मोतीलाल ओसवाल से। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं कुछ टेक्निकल कॉल्स के लिए। अब हमारे साथ केडियानोमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उन्हें किन स्टॉक्स में बड़े मूव्स दिखाई दे रहे हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपका हाइएस्ट कन्विक्शन कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्विक्शन बन रहा है? देखिए कन्विक्शन तो एक ह्यूमन फ्रेल्टी है, ये हमारी विवशता है, हमारी कमजोरी, हम कन्विंस्ड हो जाते हैं स्टॉप लॉसेस रखना ही पड़ेंगे। पर मेरा कन्विक्शन ये बन रहा है कि यहाँ से लेके चुनाव तक घूम फिर कर बाजार को तेज रहना है, न्यू हाईज में, ऑल टाइम हाईज में, अनचार्टेड वाटर्स में, ब्लू वाटर्स में। अलग अलग तरीके से लोग अनुमान लगाते हैं, अभी हमारा अनुमान है 23,500 तक निफ्टी जा सकती है। इस बीच में अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स रोटेट करते रहेंगे, टाइम टू टाइम थोड़े बहुत शॉर्ट सेल के भी मौके मिलेंगे, और एक समुदाय एक 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 ग्रुप स्टॉक्स का चलेगा, एक एक ग्रुप करेक्शन करेगा, फिर उलटफेर चालू हो जाएगी। तो कंटिन्यूसली ये स्विंग ट्रेड्स में आपको सेक्टर रोटेशंस में बहुत पैसे बनाने का भी बाजार है। एक कन्विक्शन है, 2023 में अगर किसी ने पैसे नहीं बनाए और अगर 24 में भी नहीं बनाए तो उसको शेयर बाजार छोड़ देना चाहिए, बहुत ही मनी मेकिंग मार्केट है, पैसा बरस रहा है बाजार से और बरसेगा आगे। तो खैर आपने बिल्कुल सही कही कि अगर आपने इस मार्केट में पैसा नहीं बनाया तो मार्केट आपके लिए नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा आज बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा है, आज आप वो अपने उस वो जायंट स्क्रीन के साथ नहीं है। आज मैं थोड़ा ट्रैवल पे हूं अनुज, हां बॉम्बे में नहीं हूं, कहीं और से आपके साथ जुड़ा हूं। ठीक है, तो इंडेक्स स्टॉक्स में कोई रॉकेट शेयर है क्या? पहले हम इंडेक्स स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, कहीं कन्विक्शन आ रहा है? देखिए लार्सन टूब्रो ने एक तीव्र करेक्शन दे दिया और मुझे लगता है जो नई चाल यहां से शुरू हो गई, अगर अगर मुझे नहीं पता पीसीआर स्क्रीन को दिखा पा रहा है कि नहीं, अगर दिखा पाए तो मैं चार्ट भी दिखा दूंगा साथ साथ में। तो लार्सन टूब्रो मुझे लगता है 3,970 करीब करीब 4,000 आप पकड़ लो। पीसीआर से अनुरोध है अगर चार्ट नहीं भी दिखाई हो तो दिखाए, देखिए मेरा लार्सन टूब्रो का प्रोजेक्शन है, एक अंतिम उछाल लार्सन टूब्रो में जो इसे तकरीबन 4,000 तक ले जाए, अभी हम 3200 पर है, तो 800 रुपए की चाल 3200 पे 25% एक सिंगल स्टॉक में, और भले ही इंडेक्स यहां से 1,500 पॉइंट ही बढ़े तो लार्ज कैप्स में रॉकेट कॉल हो गया लार्सन।
आपके बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर, ये जो बजाज ट्विंस पे मैं लॉन्ग टर्म में अगले 5 साल में बहुत बेरिश हूँ, बट टाइम टू टाइम इस 5 साल की लंबी अवधि के बेयर मार्केट में भी बहुत शार्प और बड़ी रैलीज इस बीच में आएंगी। तो अब लगता है वापस वो बड़ी रैली का मौका फिर से आ गया। आप ये देखो बजाज फाइनेंस मुझे लगता है वापस 7,800 हो जाए, और तकरीबन उतने ही प्रतिशत में बजाज फिंसर के अंदर में भी एक बड़ा रिबाउंड आ जाए। आईटीसी आपका मेरा मतभेद रहा है अनुज, पर आप ये देखिए अब इसने बॉटम बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए शिष्टाचार हेतु में एक बार 20% ही ऊपर पकड़ता हूँ कि वापस 480 चला जाएगा, और 480 को क्रॉस कर जाए आईटीसी तो 550 भी हो सकता है। एक बार हम 407-8 से 480 तक की चाल के लिए प्रेरित है। और अनुज जो ये खराब रिजल्ट्स आ गए, बैड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो गए, स्टॉक कुट गए, उस कैटेगरी के स्टॉक्स में भी बहुत बड़े बड़े रिबाउंड देखे बन रहे हैं। एयू बैंक रिजल्ट हताशापूर्ण थे, ठीक, और इस हताशा में यहाँ इसको पीट दिया गया, और उसके बाद कुछ दिनों में थका थका के सारे लोग निकल गए। अब हमारे हिसाब से एयू बैंक में वापस 125 की चाल शुरू हो गई है। तो घूम फिर कर इस बाजार में शॉर्ट सेलिंग करके हमारे अहंकार की तुष्टि हो सकती है कि हमें बहुत ज्यादा चार्ट देखनी आती है, पर 90% पैसा आज भी इस बाजार में बार बार घूम फिर के जो ध्वस्त हो चुके हैं स्टॉक, जिनके फंडामेंटल बिल्कुल चौपट आए, उसमें भी अगर यहाँ से मेरे को 30% की रैली यू बैंक में दिखती है तो घूम फिर के नतीजा यही है, मंदी वंदी को छोड़ो, तेजी के सौदे ढूंढो। सुशील जी, एक और चीज, जब पिछले दौर में कुछ महीने पहले टर्बुलेंस भी थी मार्केट्स में और थोड़े शॉर्ट से पैसे बने भी थे, उस वक्त आपने दो स्पेसिस पे एक व्यू शेयर किया था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करना है, और रिलायंस पे भी एक पॉजिटिव व्यू दिया था। अभी तक वो बहुत शानदार है, रिलायंस एट ऑल टाइम हाई। इन दो स्पेसिस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने आज ये दिया है। देखिए जब पगडंडी को हाथी रास्ता न दे, पूरी पगडंडी को जाम करके चले, तो अडानी और रिलायंस में जिस तरह की एक तरफा ऊपर की स्विंग आती गई, तो दुनिया भर के साइड काउंटर्स जो हैं एफएंडओ में, उनको ज्यादा चलने का स्पेस नहीं मिल रहा था। तो अडानी इंटरप्राइजेस को और अडानी विलमार को छोड़ के अडानी के स्पेस में देखिए, जो हमारे बाय एंड होल्ड के कॉल थे, चाहे वो एसीसी के अंदर हमने एसीसी के अंदर अगर हमने इसको तकरीबन 1800 में अगर बाई का कॉल था कि ये न्यू ऑल टाइम हाई पे जाएगा, तब हमने अपने क्लाइंट्स को बोल दिया कि टेक प्रॉफिट एंड फॉरगेट दिस स्टॉक, यहाँ से निकल जाओ। और वही अंबुजा सीमेंट अगर 325 से आज करीब 450 तक आ गया, तो हमारा सीरियस सेल एंड फॉरगेट कॉल आ गया इन दोनों में। अडानी पोर्ट्स में भी अब हम मंदी के सौदे ढूंढेंगे, क्योंकि स्टॉक और सेक्टर रोटेशन हो रहे, 8 चीज आपकी लॉन्ग है, 3 शॉर्ट भी रहे तो सवेरे सवेरे मार्केट ओपनिंग में जी नहीं उठता है। तो हो सकता है अडानी पोर्ट्स में एक बार 250-300 रुपए की करेक्शन आ जाए, और रिलायंस में मैं 2200-2300 के लेवल से मेंटेन कर रहा हूं कि रिलायंस को 3200-3300 जाना है। पर इस बीच में जो एक तरफा मूवमेंट आ गई, तकरीबन अब हम इस लेवल से 250-300 रुपए का करेक्शन कभी भी एक बार रिलायंस दे दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और रातों रात नहीं होगा, 8-10 दिन में कभी वो माहौल बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उसको लेके मुझे नहीं लगता है कि बाजार में कोई पैनिक करने की जरूरत है कि अडानी और अंबानी भी अब नहीं संभाल पा रहे। इन दोनों का करेक्शन आएगा तो आपको 70-80 और स्टॉक्स के अंदर में तेजी करने की जगह मिलेगी। ओके, कोई डार्क हॉर्स स्टॉक जो समझ में आ रहा है सुशील, जैसे एक बार बीएससी दिया था, एक बार सीडीएसएल दिया था, एक बार सारेगामा, इस टाइप का कोई स्टॉक? अनु देखिए वही सारे पुराने बेट्स हैं और संयम रखना पड़ेगा उनमें। बीएससी एक बहुत बड़ा अपवाद था कि 5 ही महीने में उसने बेतहाशा चाल दे दी। तकरीबन साल भर का व्यू लें तो अभी भी जो केमिकल के स्टॉक्स पे हमने बेट्स ली हैं, अब उनमें थोड़ा टेम्पररी टेक प्रॉफिट है, पुल बैक में उनको वापस लेंगे, पर मुझे अभी भी चाहे जितने भी वाद और विवाद और तर्क और कुतर्क हो रहे हैं केमिकल सेक्टर में, पूरा ट्रेंड क्लियर बता रहा है कि यहाँ से भी ये जो स्टॉक्स केमिकल के स्टॉक नीचे से 50% बढ़ गए, 10-12% का करेक्शन दे और उसके बाद फिर ये वहां से डबल हो जाए, तो बिग स्विंगर फॉर मी, मेरे लिए केमिकल के ही सेक्टर में घूम फिर कर पैसे लगा दो तो यहाँ से अभी भी डबल हो जाए 6 महीने में 7 महीने में, वैसा ही चार्ट्स का पैटर्न है। और हर वक्त अनुज मतलब वो नसीब चल गया बीएससी चल गया, तब मैं थोड़े कोई विश्वकर्मा हूँ कि मैं बीएससी बना दूंगा, बाजार जिधर चलेगा मेरा काम है, मैं मजदूर हूँ, मेरे को बाजार के पीछे भागना है। ओके, बिल्कुल, हम सभी खैर बाजार के मजदूर, शिष्य, जो मर्जी कह लें,
वो सब है। एक आखिरी सवाल, अगर आप भारती की बात की क्या हमने, भारती एयरटेल? हाँ, भारती का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है ना, जब उसमें भी बाईकॉल आ गया, 1250 तक की चाल उसमें इरप्ट हो चुकी, कल हमने अपने क्लाइंट्स की शॉर्ट कटवा के उनको लॉन्ग करवा दिया। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एज यूजुअल हैव अ गुड डे। और मार्केट में इस समय मोमेंटम है बैंकों में, और इसीलिए आज हमने HDFC बैंक पर इतना टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि आज सबसे बड़ा क्यू वही था। निफ्टी बैंक देखिए अब डे हाई पर, और HDFC बैंक देखिए अब 1.5% ऊपर, और अगर ये चल गया आज और अगर टिक गया तो मार्केट में होगी बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग। खैर, अब नीरज जी आ गए स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज, और इंतजार हम सबको रहेगा कि बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, और आज HDFC की वजह से बढ़िया मोमेंटम है। एब्सोल्युटली शानदार। कोई खास लेवल ध्यान रखना जो निफ्टी में? निफ्टी बैंक 46800 के ऊपर अगर टिक गया तो मुझे लग रहा है कि 47200 तक की स्पेस हो जाएगी, लेकिन अगर फेल हो गया मूव तो फिर वही कहानी, स्क्वायर वन। हाँ, तो इसके लिए 46800 को पुश करेगा। 46800 नजर रखेंगे, 46862 है इस वक्त, 72 हो रहा है। चलिए, बहुत ध्यान रखेंगे इस पे। फटाफट एक हेडलाइंस ले लेते हैं, उसके बाद आपके सवाल जवाब लेंगे।